ये हैं भैया और पापा अंदर है। पापा जी अंदर, हमको अंदर छोड़ दिए। नहीं ये बाहर निकल आई ना, अभी हम बाहर ही वेट कर रहे हैं। चलिए बाबू आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, सर को आकर के मिली, सर को कैसे आप पहचान रही हैं? सर को यूट्यूब पे मैंने एक दो वीडियो देखा है सर का, और मैं देखती थी। सर का क्लास करती हैं? क्लास नहीं किया बट यूट्यूब पे वीडियो देखा है। सर का पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा था, और लास्ट टाइम में तो बहुत हेल्पफुल था सर का वीडियो ही। लास्ट टाइम में हेल्पफुल था? हाँ, बहुत हेल्पफुल था। नेक्स्ट आने वाले बच्चों को क्या कहना चाहिएगा? नेक्स्ट आने वाले कि स्टार्टिंग से ही सर का कोर्स ले लें। आपको अच्छा लगा ना सर का? आप कहाँ से? मैं गया से हूँ। अच्छा, गया जिला से। गया के शायद पहली बच्ची हमको अभी कॉल से आज में मिली है। कौन सा स्ट्रीम था आपका? मेरा साइंस था। साइंस था, एग्जाम अच्छा से गया था? हाँ। आपके हिसाब से कितना ऑब्जेक्टिव गलत की थी एग्जाम में? मतलब मेरे हिसाब से 3 गलत की थी। देखिए बच्चे का 3 गलत था तो इसका टॉपर लिस्ट में नाम आया, तो कोई कोई बच्चे कमेंट करते हैं कि मेरा 10 गलत है 20 गलत है तो बुरा नाम है, 3 गलत है तो भी सर एक्स्ट्रा गलत हो सकता है। बच्ची अपना अनुमान लगाई है, इस टॉपर का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? टॉपर का श्रेय अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को। यहाँ पर सर मिले, आदित्य सर मिले, एजुकेशन बाबा की पूरी टीम मिली, इस टीम से मिल करके आपको कैसा अंदर से अनुभूति हो रहा है? सर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। सर से मिलकर अच्छा लग रहा है? आपको अपने आंखों पर विश्वास हो रहा है कि सामने सर मिल गए? नहीं नहीं हो रहा है। हम ही लोग को थोड़ा सा होता है कि हम ही लोग बहुत मतलब कभी निकले नहीं है स्टूडियो से, और ऑलमोस्ट कई 7 साल तक हम लोग स्टूडियो के अंदर रहे, और कई 7 साल के बाद हम लोग बाहर आए हैं। सर कल तो मान लीजिए, आज तो अभी सुबह का समय है, कल तो हम तो देखे ही, आज मतलब कितना बच्चा आपका अप्रोक्सीमेशन अंदर गया होगा? आज लगभग में 70-80 स्टूडेंट हैं आस पास अंदर। बच्चे आते समय तो सब हम देख ही रहे थे, आपको प्रणाम करके जा रहे थे। जी जी, तो आपको मतलब इस चीज़ के लिए मतलब कैसा अंदर से फिर से बड़ी अनुभूति हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, मतलब इस सबको देख के। जब पूरा साल मेहनत कर रहे थे तो वही बस सोचना था कि बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ाना है, और जब पढ़ाएंगे अच्छे से तो फिर रिजल्ट आना ही आना है। हाँ बाबू, आपके साथ और कौन है? मेरे साथ पापा आए हैं और भैया आए हैं। कहाँ है पापा? पापा मेरे अंदर हैं। और ये दो मिठाई का डब्बा मिल गया, खिलाइएगा? नहीं चाहिए ना, बहुत मेहनत किए हैं आप लोग, और ये मेहनत नहीं, आप लोग इतना दूर से आए हैं, सर हम लोग को पिला रहे हैं बहुत मिठाई है। बस आप लोग सर को प्रणाम किए, हमसे मिल गए, बहुत अच्छा लगा। हमारा चैनल कभी देखी है कि नहीं आपका? रिसेंटली मैंने एक दो वीडियोस देखा था, जब वेरिफिकेशन का कॉल आ गया था तो उसके बाद देखा था मैंने। अच्छा, उसके बाद ठीक की थी। सोशल मीडिया से ज्यादा आप नहीं जुड़ी हैं? नहीं सर। फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह यूज करती हैं कि नहीं? नहीं। रील्स वगैरह बनाना? नो। जैसे आज की लड़कियों में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि रील्स क्रिएट करके हम 200 के फॉलोअर बना लेंगे तो सुपर स्टार हो जाएंगे, हमारा मतलब एक्ट्रेस हो जाएंगे, इस टाइप का? नहीं सर। तो आगे इनके सब फ्यूचर फील्ड में क्या करना चाहती हैं? बीटेक करना चाहती हूँ और उसके बाद स्टेट पीसीएस देना है। चलिए बहुत अच्छा लगा, एक बच्ची मिली। हम यही चीज़ बोलेंगे, जैसे आप पूछे रील्स वगैरह के लिए, उधर से फेमस हो जाएंगे, हम तो कहते हैं कि स्टार लोग इधर से भी बनते हैं। इस साइड बहुत फेमस नहीं होते हैं सर, जो 240 के 50 के भी है कोई फेमस नहीं होता है, 10-10 रुपये का मोहताज होता है लोग, हम लोग जानते हैं। उसके बाद वही सर, अगर रिजल्ट आ गया ना, अच्छा रिजल्ट आ गया तो कितने सारे लोग, कितने सारे मीडिया, हर लोग आएंगे, वो स्टार एक अलग ही होता है। सही बात। चलिए हमसे बात करके अच्छा लगा। यस बहुत अच्छा। एक फोटो खींच लीजिए।